आकाशवाणी एफएम रेनबो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी होंगे मैं जानती हूँ। अच्छा रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, अपनों के लिए, सबके लिए। और देखिए, किसी ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज भेजा था कि इतनी खामोशी से मेहनत किया करो कि सफलता शोर मचा दे। वाह, देखिए बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन इतनी मीनिंगफुल है कि क्या बताऊं आपको। वैसे गीत आपके नाम से प्रोग्राम है, मैं हूं सुषमा और थर्सडे 10 से 11 में आ जाती हूं, तो आज भी आ गई हूं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ गीत आपके नाम से @gmail.com, ये है हमारा मेल आईडी जहां पर आप मुझे अपना कोई भी प्यारा सा संदेश भेजिए या फिर कोई भी दिल की बात जो मुझसे कहना चाहते हैं, अपने मन में जो भी उथल पुथल चल रही है उससे शेयर कर सकते हैं मुझसे। आपके दिल की बात सुनने के लिए भी मैं हूं यहां पर, कुछ तो कहूंगी ना, शायद आपको अच्छा लगे मुझसे शेयर करके, तो आप वो कर सकते हैं। और गानों की जहां तक बात है, मैंने अभी मेल्स चेक करी तो मैंने देखा बहुत लंबे लंबे गाने हैं। ओ माय गॉड, इन गानों को मैं कैसे पूरा पूरा का मतलब प्ले करूं, इन पूरे गानों को, क्योंकि इतने लंबे जब गाने होंगे तो मैं सबको मौका कैसे दे पाऊंगी। एनीवे, फिर भी मैं कहती हूँ बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का, और जुड़े रहिए मेरे प्रोग्राम गीत आपके नाम से @gmail.com। आपको पता है ना गीत आपके नाम से @gmail.com की स्पेलिंग। और अच्छे से प्यारे से इस प्रोग्राम में जुड़ना बहुत जरूरी है। और गानों की जहां तक बात है, मैंने प्ले करना शुरू कर दिया है और मुझे इंतजार है आपके मेल्स का। Happy।
सारे गाने हैं जो मुझे प्ले करने हैं, और ये सबसे पहला जो गाना मैंने इसलिए प्ले किया क्योंकि ये जो मेल आ गई थी मेरे पास, ये 15 तारीख को यानी पिछले थर्सडे, अगर मैं जो प्रोग्राम 14 को करके गई थी, नेक्स्ट डे उन्होंने मेल भेजी है। ये उमेश जी हैं, और कहां से मेल करते हैं ये नहीं लिखने हैं, लेकिन बस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वन सॉन्ग इफ पॉसिबल काइंडली प्ले इन योर प्रोग्राम, इन योर लवली प्रोग्राम, ये लिखा है उन्होंने। सारे शिकवे गिले अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज थे, मुन्ना अजीज तो हैं ही नहीं हमारे कोई सिंगर, पर एनीवे हम आपकी जो गलती है उसको ठीक कर देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और समीर के लिखे हुए गीत थे आजाद देश के गुलाम, बहुत ही अच्छा गीत था जो मैंने प्ले कर दिया आपकी पसंद का। और इसके बाद शमशाद अंसारी जी की भी मेल आई थी, इन्होंने बोला था कि ये बहुत बड़े फैन हैं मुझे लगता है गोविंदा के, तो इन्होंने दो तीन ऑप्शन दिए हैं मुझे, जोड़ी नंबर वन, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, किसी का भी आप एक गीत जरूर सुना दीजिएगा मैडम। चलिए हम कोशिश करेंगे कि गोविंदा की कोई भी फिल्म हो उसका एक गाना प्ले करें। और दिनेश गुप्ता जी का भी मैसेज था यही वाला, और शमशाद का पढ़ दिया हमने। लाल बाबू दीवाना जी, आपकी मेल कहाँ चली गई, नजर नहीं आ रही, लेकिन नाम लिखा हुआ है। एनीवे हम पढ़ते हैं आपकी मेल को भी। देखिए इतनी सारी मेल आनी शुरू हो जाती है, टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा है, और 15 के बाद 18 की भी मेल आ गई है मेरे पास। लाल बाबू दीवाना, दिनेश गुप्ता, अरविंद पेंधारकर का भी है, दिवांशु यादव, विनय कुमार कनौजिया, रामलाल चंद्रावन, गणेश जी का भी मैसेज है, और ये कहते हैं कि बाजीगर का कोई गीत बजाइएगा। बाजीगर का तो बहुत लंबे लंबे गाने हैं गणेश जी, कोशिश करिए छोटे छोटे गाने आप मुझे भेजा करें ताकि मैं और लोगों को भी मौका दे सकूं। आप देखिए म्यूजिक चल रहा है ना बैकग्राउंड में, ये काली काली आंखें, ये गुरी गुरी गाल, क्या बात है, बड़ी अच्छी अच्छी गाने, रोमांटिक गाने आप मुझे भेज रहे हैं, पर बहुत लंबे हैं थोड़ा सा। देखिए गानों की चॉइस की जहां तक मैं बात करूं तो आपके और भी अच्छे अच्छे गाने होते हैं, आप उन्हें भेजिए ना, सबको अच्छे लगेंगे। मैं मानती हूं आपके दिल की बातें हैं और दिल से जो निकलता है वही गाना मुझे भेजते हैं आप। कृष्णा बामनिया का भी मेल आ गया, फटाफट अभी अभी ये सारी मेल्स आ रही है मेरे पास। तो गणेश जी आपके लिए ये गीत है, बाकी लोग इंतजार करिए ना। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे काल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे। दिल को जलाने लगी, दिल रुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी, नहीं जाने, नहीं जाने, नहीं जाने, नहीं जाने, नहीं जाने।
बाहों में इठला के जाने लगी। ये तेरी बेरुखी मुझको सताने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम, जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक है दिल ये मेरा, दिल को ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी रातें आकर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। गुस्से में लाल ना कर ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। गणेश जी आपकी पसंद का गीत तो हमने प्ले कर ही दिया, और अब हम बहुत सारे मेल्स हैं जो उनको बता दूं कि कौन कौन से गोविंदा के गानों की जहां तक बात थी तो वो मैं देख रही हूं। कोई भी गीत अगर मुझे मिल जाता है तो वो मैं प्ले कर देती हूं। हाँ एक मिल तो गया है मुझे, तो आपकी पसंद का ये गीत प्ले करने वाली हूं थोड़ी देर में। और कृष्णा जी आपने दो बार मेल भेजा है और आपकी पसंद का भी गाना हम प्ले कर देंगे, जरूर प्ले करेंगे, ऐसी बात नहीं है, और आपने अच्छे गाने की चॉइस करी है। इन्होंने भेजी है हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत, ठीक है हम प्ले करेंगे, हमें मिल जाएगा ये गीत, कंप्यूटर में जरूर मिलेगा। सतपाल वर्मा जी का भी मेल आ गया फिर से नहीं है, मतलब इस हफ्ते मेल आई है। आहट न कर मैं तुझे जी भर के देख लूं, कहीं ऐसा ना हो गिर पड़े ख्वाबों की दीवार। आह क्या बात है, फिल्म हंसते जख्म का सॉन्ग, बेताब दिल की तमन्ना, इसे जरूर प्ले करिएगा मैडम। अच्छा हम प्ले करेंगे, तो फिलहाल मैं तो हीरो नंबर वन का प्ले करने जा रही हूं, आप इसे एंजॉय करिए। मैं तो गाड़ी से जा रहा था,
सीटी बजा रहा था, मैं तो टोपी फिरा रहा था। माय गॉड, नानी दादी क्या इम्पोर्टेंट नहीं होती, गानों में उन्हीं का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं। ओफो, नानी कितनी प्यारी हैं, जरा मम्मी से पूछ कर तो देखो, पता चल जाएगा आप सबको। एनीवे, हम मेल्स पर आ गए हैं। राम जी की भी मेल आ गई है। सभी जीनियस आरजे खुद को प्रोग्राम के अनुरूप ढाल लेते हैं, सिर्फ कुछ ही आरजे ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम को अपने अनुरूप ढालने में लगे रहते हैं। एनीवे, प्रोग्राम की तरक्की इन दूसरे तरह के लोगों से होती है जो हमेशा ही कुछ नया करने में लगे रहते हैं, जैसे हम सबकी सुषमा मैडम। ऐसा क्या, चलिए आपको ऐसा लगता है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कहा है कि एक पसंद का गाना प्ले कर दीजिए, हम प्ले करते हैं आपकी पसंद का भी गीत। और बहुत ही प्यारा सा गीत मुझे ये लगा जब मैंने इस गीत को सुना। हाँ, ये गीत हम नहीं बजाने वाले हैं आपके लिए। आप कह रहे हैं ये कौन सा गीत प्ले कर दिया मैडम ने, ये रहा आपकी पसंद का गीत। कृष्णा जी, हम आपकी पसंद का भी प्ले करेंगे तो नाराज मत होइएगा। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। के मन भटके तेरी और बार बार, के मन भटके तेरी और बार बार, तूने ऐसा क्या किया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। दर्द होता है उनको लेके कभी कभी, दिल बच्चा बन के रोता है। पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है उनको लेके कभी कभी, दिल बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नजर ने हमें खुद से जुदा किया,
देखिए गाने थोड़े थोड़े अगर मैं छोड़ दूं तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि और लोगों को भी मौका मिलना बहुत जरूरी है। ये हैं हमारे अरविंद पेंधारकर जी, और शायद पहली बार जुड़ रहे हैं, और सबसे ऊपर लिख दिया इन्होंने गीत तेरे नाम, यानी तेरे नाम वाला गीत ये सुनना चाहते थे। हमें तो लगता था कि तेरे नाम पर किसी और का ही कॉपीराइट हो गया मगर यहाँ एक और इनके चाहने वाले हैं, इस गाने के चाहने वाले हैं। विद ग्रेट प्लेजर, क्या लिखूं समझ में नहीं आता, मैंने आपकी आवाज एसएम पर सुनी है, एसएम यानी स्टार मेकर पर सुनी है, लेकिन उसे प्यारी यूट्यूब पर सुनी है। अब आपकी आवाज से मुझे भूले बिसरे गीत वाला प्रोग्राम याद आ गया है जो बचपन में मैं सुना करता था। आपकी आवाज से पता चला कि आपका खूबसूरत होना जरूरी नहीं, आवाज ही पहचान होती है। वैसे आप खूबसूरत हैं, अच्छा देख लिया आपने, कहीं पर देखा है, हो सकता है यूट्यूब पर देख लिया होगा। एनीवे थैंक यू सो मच आपने हमसे इस बारे में लिखा, और योर्स ट्रूली गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आशीर्वाद देने के लिए। अरविंद जी, अरविंद जी हैं ये, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े, एफएम से जुड़े। आई थिंक आपको मेल आईडी आपको मिल गई है, और आपने जल्दी से मेल कर दिया और कहा कि मेरी पसंद का गीत जरूर बजाइएगा, और हम बजा रहे हैं आपकी पसंद का गीत तेरे नाम का। बहुत ही प्यारा गीत है आपने चुना, और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी भी पसंद का गीत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अरविंद जी। जीवन अपना
आप उदित नारायण की आवाज सुने या फिर अलका याग्निक की, ये गाना बहुत ही प्यारा है और दोनों सिंगर्स की आवाज में बहुत खूबसूरत लगता है ना। और ये गाना बहुत लंबा नहीं है इसलिए मैंने इसे पूरा प्ले कर दिया है और एक छोटा सा ब्रेक लेना है और उसके बाद दोबारा आपकी मेल्स और आपकी पसंद के गाने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हमारी एक और लिसनर है जिन्होंने मेल हमें भेजी थी, तो उनकी पसंद का भी गाना हरे रामा हरे कृष्णा का बहुत ही प्यारा सा गीत है। और ये है हमारे कृष्णा जी जिन्होंने फिल्म का नाम भी यही लिखा है, हरे रामा हरे कृष्णा। कंची रे कंची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कंची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। ओ तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। हे हे कंची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जान जा दिल तोड़ के। हो रुक जान जा दिल तोड़ के। तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के। ए ए कंचारे कंचारे प्यार मेरा सोचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। ओ कंचारे कंचारे प्यार मेरा सोचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। बहुत अच्छा गीत है
और देखिए मेल इतनी सारी है, मैं सबके गाने कैसे प्ले करूं, मैं तो इसी सोच में डूबी रहती हूं क्या करूं। बहुत सारी मेल्स है, जयंत की है, फरजाना सिद्दीकी की मेल आई है, रंजीत मस्ताना है। देखिए अगर मैं नाम भी पढ़ दूं तो समझ जाइएगा ना कि मेरी क्या मजबूरी है, क्योंकि इतनी सारी मेल्स और गाने ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हफ्ते में एक बार आपका नंबर आ जाता है तो कोई इशू नहीं है ना, अगली बार आपका नंबर आ ही जाएगा। और रंजीत मस्ताना का भी मेल है, दो दो बार नहीं एक ही बार है। एडजन एंगमो की भी मेल है, तरुण कोहली, और ये है मोहम्मद हसन जी, कहते हैं कि मेरा जो मेल है वो डिलीवर नहीं हो रहा है, और उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है अपने फोन का। ये है जिगमेट आंगचौक, समीर मलिक, शीशपाल सिंह जी हैं, शीश नहीं है, और विपिन शुक्ला हैं, विपिन कुमार, इनकी भी मेल आई है। दिनेश वर्मा जी, आपकी भी मेल आ गई है। कम से कम मैं नाम पढ़ रही हूं तो आपको ये लगेगा कि हाँ सुषमा के पास मेल तो पहुंच गई है, लेकिन गाने सारे प्ले हो जाएं एक घंटे में बहुत मुश्किल है। संतोष जी की भी मेल आई है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आप बोल रहे हैं लेकिन समय कम है, और इसलिए मैं गाने मुश्किल होगा मेरे लिए प्ले करना, लेकिन दो चार लोगों की पसंद के तो गाने मैं प्ले कर ही सकती हूं ना। और ये है, कौन है ये, नाम क्या लिखा है, नो सब्जेक्ट, कोई बात नहीं। गुरविंदर सिंह जी, हेलो सुषमा जी, इट हैज बीन डिसाइडेड नॉट टू सेंड, ओहो ऐसा क्यों कर रहे हैं, नॉट टू सेंड मेल इन योर प्रोग्राम फ्रॉम साइट सो दैट योर सेल्फ डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम आवर नेम्स। गुरविंदर सिंह चट्ठा, सुभाष नगर, न्यू दिल्ली, ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, मुझे पता चल गया है कि आप जुड़वा हैं और दोनों भाई सुभाष नगर से मेल भेजते हैं मुझे। सरोजनी राजपूत जी, आपने भी मेल भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी पसंद के भी गाने कैसे प्ले करूं, क्योंकि बहुत सारे गाने हैं, लेकिन फिलहाल में एक गाना जो है दो तीन लोगों की पसंद का है, मैं उसे प्ले कर देती हूं ताकि नाराजगी ना हो जाए, है ना। पूजेंगे तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे, बेटा दिल की तमन्ना यही है। जगाना ना बाहों
बेताब दिल की तमन्ना यही है। देखिए कितने लोगों के दिल बेताब होंगे इस समय कि उनकी पसंद के गाने बज जाएं। तमन्नाएं बहुत सारी हैं और मैं भी चाहती हूं कि प्ले करूं, लेकिन इतना समय नहीं होता कि मैं सबकी पसंद के गाने प्ले कर पाऊं। फिलहाल ब्रेक्स भी होते हैं, फिर मुझे जो लेने होते हैं, और उसके बाद आपकी मेल्स पढ़नी होती हैं, किस किस ने मेल भेजी, बहुत सारे काम होते हैं, तो छोटा सा ब्रेक लेती हूं फिर से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप दोस्तों का। देखिए इतने सारे नाम, इतनी सारी मेल्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ अब जल्दी जल्दी यही करूंगी कि मैं गाने प्ले कर दूं और नाम भी साथ साथ पढ़ती रहूं, और जो भी गाना प्ले होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पसंद का ये गाना है। मैं सबके नाम पढ़ूं और गाने बताऊं तो नाराज मत होना। जिसकी भी पसंद का गीत बज जाता है कृपया करके दोबारा अपनी फरमाइश ना भेजें, सही रहेगा, है ना? समझदार हैं आप, और ये भी समझ गए कि किसने दोबारा भेजी है, नाम नहीं बोलूंगी। बसी है तू मेरी जिंदगी है,
कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना आशिकी फिल्म के। अब आशिकी 2 की किसी ने डिमांड करी है, किसी ने आशिकी की करी है, तो हमने भाई एक गाना बजा दिया है। नाराज मत होइए, राम जी बहुत खुश हैं क्योंकि उनका दिन बन गया है, शायद उनकी पसंद का गीत बज गया है। और दयानंद सरस्वती जी, बहुत सारे मेरे जो लिसनर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे प्यारे प्यारे इस प्रोग्राम के हम सफर बन के जो जुड़ जाते हैं, वो कहते हैं मैडम आप कोई भी गीत बजा दीजिए। उसमें क्या होता है कि चलिए कोई अच्छा सा गीत मैं ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि सबकी फरमाइश पूरी करना बहुत मुश्किल है। हरवेश कश्यप जी का भी मेल आया है, बहुत बहुत शुक्रिया, ये गुन्नौर उत्तर प्रदेश से हमें मेल करते हैं, थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए। और ये है इशाक मोहम्मद, डाग डिफायर का गाना कहां से लिख रहा हूं, छत्तीसगढ़ मुंगेली से। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने परिवार के सभी लोगों के नाम लिखे हैं, अशफाक मोहम्मद अल्ताफ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये हैं फरजाना सिद्दीकी जी, फरजाना जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी पसंद का गीत बज गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बजा है तो आप नाराज मत होना मुझसे, क्योंकि मैं समझ रही हूँ बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे नाराजगी भरे मेल भेजने रखते हैं, तो उसमें मैं क्या करूँ बताइए। कोई बात नहीं, चलिए आपकी पसंद का है और ये कई लोगों की पसंद का गीत है, मैं प्ले कर देती हूँ फरजाना जी। तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। किसी ने बहुत ही प्यारी सी मेल भेजी है, आजकल लोग किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे काटने को दौड़ते हैं, अगर वहीं पे प्यार से दो मीठे बोल बोल दें तो क्या होगा, लेकिन कड़वे बोल बोलना आसान है और मीठे बोल बोलना शायद उनको दिक्कत आती है। सही कहा आपने, देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखिए मीठे बोल बोलना
बहुत जरूरी है और आजकल इतनी टेंशन भरी लाइफ है कि दो प्यार से अगर कोई बोल बोल देता है तो कितना सुकून मिलता है ना। कमल साहनी जी, आपने भी मेल भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु यादव, रघुविंदर सिंह, मोहम्मद हसान, रमेश पटेल, सरोजनी, दोबारा मत भेजना। कमलेश जी का भी मैसेज आया है, कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है और आप छोटा सा गाना कोई भी अपनी पसंद का बजा देंगे तो हम उसमें ही खुश हो जाते हैं। शेषपाल सिंह, आपकी पत्नी भी हमें मेल भेज रही है, कह रही पुष्पा है उनका नाम, वो कहती है कि जब से मेरी शादी हुई है और मैं अपने पति के शौक को ही फॉलो कर रही हूँ और मैंने भी रेडियो सुनना शुरू कर दिया है। देखिए बहुत अच्छी बात है, रेडियो तो हर बीमारी का इलाज है मुझे ऐसा लगता है ना। अगर थोड़ी सी भी परेशानी, बस आप अच्छे अच्छे गाने सुनिए, रेडियो लगाइए और हमारा FM तो 24 घंटे है ही आपके लिए। कोई भी प्रोग्राम, अब अगला प्रोग्राम सीमा चौधरी लेकर आ रही है बॉलीवुड की गपशप और बॉलीवुड का खजाना लेकर, और मैं एक प्यारा सा गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मीठे बोलों की अगर बात है तो सच में प्यार से अगर आप बात कर लेते हैं किसी से तो बहुत सुकून मिलता है। सबक शुरू कर बिस्मिल्लाह। फूल तो हो या चांद सितारे, खेल खिलौने प्यारे प्यारे, मिट्टी से बने हम सारे। बोल तो मीठे, बोल तो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। अरे बोल तो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। दिलों के खोल सोनिए। बहुत ही प्यारा गीत मुझे सजेस्ट किया था हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग थे इस प्रोग्राम से जुड़े जिन्होंने मेल भेजी मुझे, और उनसे माफी मांग लेती हूँ मैं हर बार जिनकी पसंद के गीत नहीं बज पाते हैं, कई कारण हो जाते हैं, तो नाराज मत होइएगा, मेल भेजते रहिए गीत आपके नाम से @gmail.com। स्पेलिंग आपको पता ही है ना, GEET APKENAAMSE@gmail.com। सुषमा आपसे जल्दी ही मुलाकात करेगी अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गीत आपके नाम से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हर हर मैदान फते, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो।
इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद